हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं कन्हैया जी पांडे केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग दसम के विषय इतिहास के पाठ 3 इंडो चाइना यानी हिंद चीन में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद पाठ से संबंधित प्रश्नों के बारे में बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट, ये सवाल हमने भारतीय भवन पुस्तक से लिए हैं और इस पाठ के भाग 1 में जो नए प्रश्न हैं उनका हम तथ्यात्मक विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे और आपको सटीक उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट आइए, आज हम लोग सारणी पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है। तो स्टूडेंट, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कोलून कहा जाता था। कोलून कहा जाता था होगा क्वेश्चन। कहा जाता था। हमारा दूसरा सवाल है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना क्यों की गई? तो वियतनाम में टोंकिंग फ्री स्कूल की स्थापना वियतनामियों को पश्चिमी शिक्षा देने के लिए स्थापित की गई। हमारा तीसरा सवाल है, सारणी पर आधारित का तीसरा प्रश्न है, वियतनाम में हुआ हाओ आंदोलन किसने चलाया? तो वियतनाम में हुआ हाओ आंदोलन जो था, ये आंदोलन ईसाई मिशनरियों के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए चलाया गया था और ये आंदोलन जो है हू इन फूस ने चलाया था। वियतनाम में हुआ हाओ आंदोलन हो इन फू सो के द्वारा चलाया गया था। हु इन फूसो वियतनाम में लोगों के भलाई के लिए बहुत प्रयासरत थे और उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को वियतनाम से भगाने के लिए हुआ हाओ आंदोलन उपनिवेशवाद के खिलाफ शुरू किया था। जनता का इन्हें भरपूर सपोर्ट मिला, लेकिन बाद के वर्षों में फ्रांसीसी सरकार ने इन्हें पागल घोषित कराकर इन्हें जेल में यातना दी और जेल में बंद करा दिया। चौथा सवाल है, 1945 में स्थापित वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो 1945 में स्थापित वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य का अध्यक्ष हो चिन्ह मिन्ह को हो
चिन्ह मिन्ह को बनाया गया। हमारा पांचवा सवाल है, राजकुमार सिंघानुक कौन थे? तो स्टूडेंट, राजकुमार सिंघानुक कंबोडिया के शासक थे। राजकुमार सिंघानुक कंबोडिया के शासक थे। अब स्टूडेंट, हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न पहला है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता था? अब इससे फ्रांस में रहने वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। तो हम लोग प्रश्न संख्या एक अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न हमारा है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता था? तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसियों को कोलोन कहा जाता था। कोलोन कहा जाता था। हमारा दूसरा प्रश्न है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल क्यों स्थापित किए गए? तो वियतनामियों को पश्चिमी शिक्षा शिक्षा प्रदान करने के लिए वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल स्थापित किए गए। और अगला सवाल है स्टूडेंट, तीसरा नंबर अति लघुत्तरीय का तीसरा प्रश्न है, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट क्यों हुआ? तो ईसाई मिशन वियतनाम में ईसाई मिशनरियों के बढ़ते हुए प्रभाव को समाप्त करने के लिए स्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ था। हमारा प्रश्न संख्या चार अति लघुत्तरीय का है, पाथेट लाव की स्थापना क्यों की गई? तो स्टूडेंट, पाथेट लाव एक सैनिक संगठन था जिसकी स्थापना पाथेट लाव एक सैनिक संगठन था जिसकी स्थापना इसकी स्थापना लाओस में
साम्यवादी शासन, स्थापित करने के लिए किया गया था। अब स्टूडेंट हम लोग अति लघुतरीय का अंतिम प्रश्न देखते हैं। 1970 में जकार्ता सम्मेलन क्यों बुलाया गया? हुआ था क्या कि अमेरिका ने अपने सेना को वियतनाम से हटाने की घोषणा कर दी, लेकिन कंबोडिया का जो सैनिक था, सैनिक जो थे वह दक्षिणी वियतनाम में उपस्थित थे। उन्होंने दक्षिणी वियतनाम से हटने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में जो है अमेरिका और कंबोडिया के बीच तनाव बढ़ने लगा। इस स्थिति को दूर करने के लिए जो है एशिया के 11 देशों का सम्मेलन जो है वह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 1970 में बुलाई गई। तो देखते हैं स्टूडेंट इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे। चूंकि 1970 में अमेरिका ने अपने सैनिकों को कंबोडिया से हटाने की घोषणा की, परंतु दक्षिणी वियतनाम में उपस्थित कंबोडियाई सैनिक को हटाने से कंबोडिया ने साफ 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 इनकार कर दिया। जिसके चलते स्थिति गंभीर होने लगी। फलतः फलतः जकार्ता सम्मेलन बुलाया गया।
इस सम्मेलन में एशिया के जो थे 11 देश शामिल हुए थे। तो स्टूडेंट, इस प्रकार हमने इतिहास वर्ग दशम बिहार बोर्ड BSEB के पाठ 3 इंडो चाइना में उपनिवेशवाद तथा राष्ट्रवाद के सारणी पर आधारित एवं अति लघुतरीय प्रश्नों के बारे में बारी बारी से चर्चा की। स्टूडेंट, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा हमारे YouTube चैनल KJ Knowledge Hub को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट, मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूं। आप हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक के लिए धन्यवाद।